सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक अमेजोन शॉपिंग हॉल वीडियो, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं एक शॉपिंग हॉल वीडियो कर रही हूँ। एंड क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है और शादियों का सीजन आ रहा है, तो मुझे लगा आप लोगों को ऐसी भारी भारी साड़ियाँ खरीदनी होंगी, सो मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ इसमें। और मैं फेस्टिव सीजन के हिसाब से ऐसी साड़ियाँ लेके आई हूँ जो कि थोड़ी लाइट भी हैं, थोड़ी हैवी वाली साड़ियाँ भी हैं इसमें, और हर टाइप की साड़ी मैंने मिक्स करने की कोशिश की है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो इस वीडियो में जो साड़ी की रेंज होने वाली है, इसमें जो प्राइस रेंज है वो मैं बताने ही भूल गई थी। तो प्राइस रेंज है साड़ियों का, वो शुरू हो रहा है 250 रुपए से और साड़ीज जाएंगी आई थिंक 1000 रुपीज तक। उसके ऊपर की कोई साड़ी नहीं है। जितनी भी साड़ियां हैं ये 200 से लेकर 1000 रुपए के रेंज में सारी साड़ियाँ हैं। ओके, सो ये है सारी साड़ियाँ जो मैं लेके आई हूँ। सो पहली साड़ी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और मैंने काफ़ी सारी साड़ियाँ रेडी करवा ली क्योंकि मुझे भी फेस्टिव सीजन में पहनना है, और मुझे लगा कि जैसे जैसे टाइम आगे होता जाएगा ना कि बहुत टाइम लगने वाला है, फिर वो टेलर लोग सिल के देंगे नहीं ब्लाउज और वगैरह वगैरह, क्योंकि अभी नवरात्रि आ जाएगी, फिर दिवाली, फिर शादियों का सीज़न बस शुरू ही हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने ना पहले से ही अभी दे के और 2 दिन में फटाफट सारे ब्लाउज वगैरह बनवा के जितने भी मुझसे हो पाए वो रेडी करवा लिए हैं, और मैं आपको सारा पूरा गेटअप के साथ दिखाने वाली हूँ वीडियो। सो पहली साड़ी हम दिखाते हैं आपको। तो पहली साड़ी है ये कॉटन की साड़ी नेवी ब्लू कलर में, जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। और आप देख सकते हो इसका ना कपड़ा बहुत अच्छा है। ये साड़ी मुझे सिर्फ 850 या 900 रुपये, मुझे सिर्फ 900 रुपये की मिली थी। अभी इसका जो करंट रेट चल रहा है वो 945 चल रहा है। तो इसका ये पल्ला है, इसका पल्ला काफ़ी भारी है और अंदर से ऐसा डिज़ाइन है, और आप देख सकते हो वीडियो में मैंने पहनी हुई है ये साड़ी। ये साड़ी बहुत कंफर्टेबल है, इसका जो कॉटन है ना बहुत सॉफ्ट है, थोड़ा हैवी सा कॉटन है। और मेरी मम्मी और रुशन को तो ये साड़ी उतनी पसंद नहीं आई थी, ये लोग बोल रहे थे कि चद्दर लपेटी है, बट एक्चुअली बताऊँ तो ये साड़ी बहुत ग्रेसफुल लगती है जब आप पहनो। ये ना स्पेशली जब हम दुर्गा पूजा के पंडाल में जाते हैं ना, तो इस टाइप की साड़ी बहुत प्यारी लगती है। स्पेशली जो कालीबाड़ी अगर हम जा रहे हैं तो उस जगह पे इस टाइप की साड़ी पहनना बहुत प्यारा लगता है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये कॉटन की साड़ी है, बहुत अच्छा मोटा वाला कॉटन है इसका, बट आपको ये साड़ी आप जब पकड़ोगे ना फील करोगे ये बिल्कुल लगेगी ही नहीं कि ये 800 या 900 रुपए की साड़ी है। ठीक है, लेकिन अभी इसका करंट प्राइस 950 रुपये चल रहा है, तो आपको लगेगा ही नहीं ये 950 रुपये की साड़ी। इवन जब मैंने इसको रेडी करवाने के लिए भी दिया था तो उन्होंने भी, आंटी ने भी मुझे यही बोला कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही है, और मैंने जब उनको बताया कि ये सिर्फ 950 रुपये की साड़ी, तो उनको बिलीव ही नहीं हुआ था। एंड इसका कपड़ा जो इसमें ब्लाउज के लिए दिया है उन्होंने, ये भी काफ़ी अच्छा कपड़ा दिया है। इसके लिए इसकी स्लीव्स लंबी बनी है, पहले मैं चाह रही थी कि मैं अपनी फुल स्लीव्स बनवाऊँ, बट फिर वो यहाँ पे अड़ती है ना तो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने इसकी इसका ब्लाउज ऐसा बनवाया है जिसका बैक मैंने ऐसा रखा है, एंड फ्रंट से ये बिल्कुल प्लेन है। और मुझे बहुत पसंद आई है साड़ी, तो इस साड़ी के लिए तो मेरी तरफ से कंप्लीट थम्स अप है। अगर आप सोच रहे हो कॉटन की साड़ी लेने का तो ये साड़ी आप ले सकते हो। सो नेक्स्ट, ये जो साड़ी है ये साड़ी मुझे मिली है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ की, एंड आई एम टेलिंग यू ये साड़ी बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल इतनी से में आ जाती है। ये जो बिल्कुल मतलब डेली वेयर की जो साड़ियाँ होती है ना लहरिया, उस वो साड़ी है ये, शिफॉन की, बिल्कुल शिफॉन का सॉफ्ट कपड़ा है, एकदम बहुत कंफर्टेबल है पहनने के लिए, मतलब लगता ही नहीं है कि कुछ पहना हुआ है आपने, इतनी कंफर्टेबल। इसको पहन के पूरा घर का काम कर लेती हूँ मैं दौड़ दौड़ के। ये बहुत प्यारी साड़ी है, एंड अभी आप सोच रहे होगे कि फेस्टिव साड़ियों की हम बात कर रहे हैं तो उसमें से ये प्लेन घर में पहनने वाली साड़ी क्यों ली है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब से अभी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी आई है उसके बाद से आलिया भट्ट ने जो साड़ीज पहनी है उसके बाद इस टाइप की प्लेन साड़ीज लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं स्टाइल करना, तो वही सोच के मैंने ये साड़ी ली थी। और इसको मतलब जो लड़कियां हैं जो ऐसी हैवी साड़ीज नहीं पहनना चाहती बनारसी या हैवी कॉटन की, वो इस टाइप की साड़ी स्टाइल कर सकते हैं। आप एक बड़ा सा प्यारा सा सेक्सी सा ब्लाउज बना के इसको स्टाइल कर सकते हो। मैंने इसे जो ब्लाउज के साथ स्टाइल किया है वो रेडी टू वेयर रेडीमेड ब्लाउज था, वो मैंने मीशो से लिया था, उसके साथ मैंने इसको स्टाइल किया है, बट क्योंकि इसके साथ ब्लाउज का कपड़ा नहीं है। ठीक है, ये साड़ी के साथ 300 रुपये की साड़ी, इसमें क्या ही ब्लाउज का कपड़ा मिलेगा, तो आप इसको कोई भी रानी कलर के ब्लाउज स्टाइल कर सकते हो। इनफैक्ट आप एक वेलवेट का स्लीवलेस ब्लाउज बना के उसके साथ स्टाइल कर सकते हो, ये बहुत सेक्सी लगेगी। अगर आपने हैवी से ज्वेलरी पहनी होगी, अच्छे से हेयर स्टाइल वगैरह किया होगा, तो ये बहुत सेक्सी लगने वाली है। और हाँ, तो मैंने इसको जो इयररिंग्स के साथ स्टाइल किया आप देख रहे होगे, वो इयररिंग्स मेरे खुद के ब्रांड के हैं डायोसा के,
सो अगर आपको वो इयररिंग्स परचेज करने हैं या फिर ये, इनफैक्ट इस पूरे वीडियो में जितने भी इयररिंग्स मैंने डाले हैं वो सारे, जो भी ज्वेलरी मैंने डाली वो सारी मेरी ब्रांड की है। सो आप इसमें से कोई भी अगर आपको परचेज करना हो, इनफैक्ट ये वाला भी देख सकते हो आप कितना प्रेटी है, मेरी साड़ी के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा था। सो कोई भी ज्वेलरी आप परचेज करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे दूंगी, आप वहां से शॉप कर सकते हो। ओके सो नेक्स्ट ये जो साड़ी मेरे पास है ये भी ब्लैक फ्लोरल कलर की, बिल्कुल शिफॉन की सॉफ्ट साड़ी है, आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट और कंफर्टेबल साड़ी। इसको भी पहनने के बाद बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आपने कोई हैवी साड़ी स्टाइल की कैरी की है। इसको भी आप स्लीवलेस ब्लाउज के साथ और अच्छी सी ज्वेलरी के साथ बहुत अच्छे से पेयर कर सकते हो, जैसे मैंने ये वीडियो में ट्राई किया है इसको स्टाइल करने का। एंड अगेन दिस साड़ी इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, ये परसों कल ही आई है, हाँ कल या परसों ही आई है मेरे पास, तो इसको मैंने अभी तक रेडी नहीं करवाया है। इस पे ब्लाउज का पीस भी दिया हुआ है प्लेन, बट ऑलरेडी मेरे पास ब्लैक वाले इतने सारे ब्लाउज थे और फिर ये स्लीवलेस भी था ही, तो मैंने सोचा इसी के साथ स्टाइल कर लेती हूँ, और ये बहुत प्यारा लगता है। अगेन इसके साथ भी जो मैंने इयररिंग्स डाले हुए हैं वो मेरी ब्रांड के हैं, डायोसा के, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करो। तो नेक्स्ट साड़ी दिखाती हूँ आपको, बट ये बहुत सही है यार, ये भी वही है, थोड़ी गर्लिश सी साड़ी है, इसको आप आराम से, लड़कियां जो देख रही हैं जिनको हैवी साड़ी नहीं चाहिए वो इसको लेके स्टाइल कर सकते हो। चलो हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट साड़ी देखते हैं। नेक्स्ट ये जो साड़ी है अगेन ये 900 रुपीज की मैंने ली थी, अभी इसका प्राइस शायद 945 या समथिंग चल रहा है। तो ये साड़ी मैंने लास्ट ईयर ली थी, मतलब ये सेकेंड टाइम मैंने ली है। लास्ट ईयर जो साड़ी ली थी मैंने वो मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद आई थी तो मैंने उसे दे दी, और मुझे ये साड़ी इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने ये फिर से ली है सेकेंड टाइम, और ये बनारसी पैटर्न में है, आप देख सकते हो ये साड़ी बहुत प्यारी लगती है स्टाइल करने से। इसका पल्ला भी बहुत ब्यूटीफुल है, मैं आपको एक बार पल्ला दिखाती हूँ, सी। सो ये इसका पल्ला है और इसका वर्क काफ़ी फाइन है, ये ना अंदर से, मतलब ये 900 रुपये की, 950 रुपये की साड़ी, बट आपको लगेगा नहीं क्योंकि इसका जो ये अंदर का वर्क है ना ज़्यादा भारी वर्क नहीं है, तो ये चुभता नहीं है, बहुत सॉफ्ट है ये। इनफैक्ट जो साड़ी मैंने पहनी हुई है, ये साड़ी भी मैंने ऑनलाइन ही ली है, ये शायद मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, अब ये आउट ऑफ स्टॉक है, बट ये साड़ी के अंदर का जो ये है ना पल्ला, मतलब ये जो अंदर का ये वाला चीज़ है ना, ये बहुत कड़कड़ 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 है और ये काफ़ी चुभता है, और ये साड़ी भी थोड़ी सी कड़कड़ है इसलिए मैंने इसका पल्ला खुला नहीं लिया, मैं ऐसे करके बैठ गई, और मेरे बाल लगा क्यों मैंने ये साड़ी पहन ली, हाँ बेटर होता मैं ये पहन के बैठती, बट हाँ मैं वही बता रही थी कि इसमें जैसा है ना अंदर से वो चुभता है, अगर मैं खुला पल्ला लूँ ना तो पूरे हाथ वगैरह पे रैशेस कर देता है, तो इसके लिए ऐसे प्लीट्स करके लिया मैंने, तो अभी नाउ इट्स बेटर। बट ये चीज़ ना इस साड़ी के साथ नहीं है, यू नो इसका बॉर्डर भी इतना प्यारा है नीचे से, आप देख सकते हो इतना प्यारा इसका बॉर्डर, इतना क्लीन इसका वर्क है, सी। और ये ना बिल्कुल वैसे चटक वाला गोल्डन नहीं है, पता है ये थोड़ा रोज गोल्ड में जो थोड़ा लाइट वाला गोल्ड होता है ना, मतलब येलो तो होता है बट बिल्कुल चटक वाला येलो नहीं होता है, तो ये वो वाला येलो है, थोड़ा शैम्पेन टाइप का जो बोलते हैं कलर, तो ये बहुत प्यारा लगता है। इसके साथ ना दोनों टाइप की ज्वेलरी जाती है, इसके साथ आप मतलब गोल्डन ज्वेलरी भी कैरी कर सकते हो, इसके साथ आप ब्लैक मेटल वाली ज्वेलरी भी कैरी कर सकते हो, मैंने इसको ब्लैक मेटल वाली ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया है। अगेन दीज इयररिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई पेज, सो चेकआउट, और ये साड़ी का लिंक मैं दे दूंगी, आप अमेजोन से बाय कर सकते हो, बहुत प्यारी साड़ी है, इसमें ना कपड़े में भी ना एक शाइन है, ब्लैक कपड़े में बहुत 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 मस्त साड़ी है, ले लो। तो चलो अब नेक्स्ट साड़ी देखते हैं। सो नेक्स्ट ये जो साड़ी है मैं एक बार वीडियो बना चुकी हूँ बट अच्छा बना नहीं, इसके लिए मैं दोबारा शूट कर रही हूँ, सो मैंने टैग खोल दी है। ओके सो नेक्स्ट ये जो साड़ी है ये कॉटन की साड़ी है, काफ़ी हल्की सी कॉटन की साड़ी है, 350 रुपये की साड़ी है ये। एंड अगेन ये भी मैंने वही दुर्गा पूजा में, ये बहुत प्यारी लगती है पंडाल में, इस टाइप की साड़ीज कैरी करना बहुत अच्छा लगता है, एंड ये कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, पर्पल सा लैवेंडर सा, तो इसके लिए मैंने ये साड़ी ली थी, और ये भी काफ़ी हल्की साड़ी है, तो लड़कियां जो पहनना चाहती हैं थोड़ा सा हल्का उन वो लोग ये वाली कॉटन की साड़ी कैरी कर सकते हो, बहुत प्यारी लगेगी ये। एंड इसका भी ब्लाउज आप स्टाइल कर सकते हो, स्लीवलेस बनवा सकते हो, मुझे स्लीवलेस नहीं चाहिए था इसके लिए मैंने नहीं बनाया, बट इसके साथ भी स्लीवलेस ब्लाउज काफ़ी सही लगेगा, एंड अच्छी सी ज्वेलरी के साथ पेयर करोगे तो बहुत सही लगेगा। ये ना वो जो आजकल ऐसे लंबी वाली मोती वाली माला चली है ना, मोती बहुत सारे ऐसे होते हैं, देन यहाँ पे पेंडेंट था उसको क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट उस टाइप की ज्वेलरी के साथ भी ये बहुत सही जाने वाली है। हाई नेक भी अगर आप इसका बनवाते हो ब्लाउज बहुत सही लगने वाला है, तो आप इसको अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हो। मैंने इसका ब्लाउज सेम प्लेन ही रखा है क्योंकि मुझे ऐसा ही चाहिए था, बट ये भी अगेन दुर्गा पूजा में ये बहुत क्लासी लगने वाली है। चलो नेक्स्ट साड़ी पे जाते हैं। सो अगेन ये भी मैं डबल बना रही हूँ क्योंकि मैंने फिर से गड़बड़ कर दी
कर रही हूँ मैं. सो ओके, जो नेक्स्ट साड़ी है हमारी वो इस हॉल की, थोड़ी सी दिख गई ना स्नीक पीक, जो नेक्स्ट साड़ी है हमारी वो इस हॉल की सबसे सबसे फेवरेट साड़ी है मेरी. मतलब मैं बहुत खुश हो गई थी ये साड़ी को देख के, एंड ये वैसे भी इंटरनेट पे पूरी छाई हुई है. मैं बात कर रही हूँ इस साड़ी की, लाइक खुली गई पूरी. ये देखो ये वाली साड़ी, शायद आप समझ ही गए होगे मैं साइड में वीडियो चला ही रही हूँ. तो ये साड़ी मुझे इतनी पसंद आई थी जब मैंने इसे देखा था. एंड द बेस्ट पार्ट इज इसका जो कपड़ा है ना, जॉर्जेट का कपड़ा है, एंड इसमें ना सेल्फ का एक डिज़ाइन है. मतलब ये जो ऐसा वाला, ये देखो बीच में ये जो है ना वाइट वाइट वाले, ये धागे का काम है. तो ये ना ऐसा वाला डिज़ाइन है इसमें सेल्फ का, जो बहुत प्यारा है. प्लस इसमें लेस लगी हुई साइड में. जब मैंने फोटो में देखा था तो मुझे लगा था ये लेस थोड़ी डार्क है, ब्लैक कलर की है, बट ये ग्रीन कलर की लेस है. बट ये ग्रीन कलर की लेस है, आप देख सकते हो बहुत प्यारी सी लेस है ये पूरी इसमें लगी हुई साड़ी में. एंड द बेस्ट पार्ट इज ये साड़ी रेडी टू वेयर साड़ी है. आप देख सकते हो इसके प्लेट्स इतने प्यारे बने हुए हैं ना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं इसके प्लेट्स. आपको सिर्फ इसको सख्त से पहन लेना है, लाइक बस 2 मिनट में हो जाएगी ये साड़ी रेडी. सो ये मुझे बहुत अच्छी लगी 1000 रुपये में. ये दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट साड़ीज. अब अगर बात करते हैं इसके प्राइस की, तो अगर ये साड़ी नॉर्मल साड़ी होती है, मतलब रेडी टू वेयर नहीं होती, तो मैं बोल सकती हूँ कि इसका प्राइस ऑलमोस्ट अराउंड 600-700 वॉज फाइन, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था. बट बिकॉज ये रेडी टू वेयर है, इसके लिए इसका प्राइस 1000 रुपीज़ भी परफेक्ट है. कपड़ा बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है ये साड़ी, पहनने के बाद आपको पता नहीं चलेगा. सो जो लड़कियां चाहती हैं ना कि दुर्गा पूजा में या शादी में किसी की पार्टी में बवाल मचाना, वो इसको बहुत आराम से स्टाइल कर सकते हो. ये साड़ी बहुत सेक्सी लगने वाली है, मैं सही बता रही हूँ आपको. एंड इसे प्रॉपर अच्छी सी ज्वेलरी के साथ कैरी किया तो दिस इज गोइंग टू किल इट. सो मेरी तरफ से इस साड़ी के लिए तो डबल थम्स अप है पक्का. अगर आपको ये साड़ी पसंद आ रही तो ले ही लो, और ये और भी कलर्स में अवेलेबल है. जब मैंने ऑर्डर किया था तभी सिर्फ 2 ही कलर में थी, एक ये वाला वाइट और एक ग्रीन, तो मुझे ग्रीन से ज़्यादा ही वाइट अच्छा लग रहा था. बट करेंटली ये साड़ी 4 कलर्स में अवेलेबल है. इसमें ग्रीन है, ये पिंक है, लेमन येलो कलर है, और ये वाइट कलर है. वैसे वाइट सबसे ज़्यादा प्यारा है. इसमें पीच कलर के फ्लावर्स हैं, पीचिश और पीचिश पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, बहुत प्यारी है ये. बट आप बाकी कलर्स भी चेकआउट कर सकते हो. लास्ट में एक बोनस साड़ी के बारे में आपको बता देती हूँ. जैसी मैंने आपको ब्लू वाली साड़ी दिखाई थी फर्स्ट वाली, वैसी ही ये पिंक वाली साड़ी है. इसकी फोटो मैं साइड में लगा देती हूँ. ये सेम कपड़े की साड़ी है, इसका कलर बहुत प्यारा है, प्याजी सा पिंक कलर का, प्याजी सा पिंक कलर है इस साड़ी का. और ये साड़ी मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि पहले मैंने ये अपनी मदर इन लॉ को गिफ्ट की, फिर बाद में मैंने ये अपनी मम्मी के लिए भी दोबारा ली थी. ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी. कपड़ा वैसा ही है, कॉटन, सॉफ्ट सा कॉटन है, और अगेन बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा खासा लेंथ भी दिया हुआ था ब्लाउज वगैरह के लिए. और अगेन सेम फेस्टिवल में अगर आपको बहुत कुछ तड़क भड़क नहीं करना है तो आप उस टाइप की कॉटन साड़ी पहन सकते हो. ये बहुत प्यारी लगने वाली है. इसे अच्छे से स्टाइल किया चूड़ियों के साथ और एक मतलब ऐसा लंबा वाला नेकलेस कुछ डाला, तो ये बहुत प्यारी लगने वाली है. सो अगेन द साड़ी आई डोंट हैव इट विद मी क्योंकि मैंने गिफ्ट कर दी है. बट अगेन ये साड़ी मैंने मंगाई थी अभी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. इसका फैब्रिक भी बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा मैं एक बार डाल देती हूँ रिव्यू इसका. एंड वन मोर थिंग, जब मैंने ये साड़ियाँ खरीदी थी मुझे 1200 रुपये की साड़ी मिली थी, अभी ये डिस्काउंट पे 950 रुपये की मिल रही है. तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, ठीक है. सो दैट्स इट गाइज, आज का ये हॉल हम यही एंड करता है. आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना, एंड वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक करना. और जो भी लोग कपड़े खरीदने की सोच रहे हैं अमेजोन से, स्पेशली साड़ी, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना. एंड और मुझे आप बताना पर्सनली कि इन सारी साड़ियों में सबसे अच्छी साड़ी आपको कौन सी लगी, और मेरे ऊपर सबसे अच्छी कौन सी साड़ी लगी, कमेंट करके बताना प्लीज़. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट. जब आप लोग कमेंट करते हो तब मुझे पता चलता है कि आपने वीडियो देखा है, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने फ्रेंड्स के कमेंट रीड करती हूँ. बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे नए लोग होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो. सो प्लीज़ डू कमेंट, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और ऐसे वीडियोज मैं बनाती रहती हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.